हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए हम लोग 3 देखते हैं, क्योंकि इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन अ मिनट। एक पहिया जो है वो 360 रिवोल्यूशन करता है, 360 चक्कर लगाता है एक मिनट में। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि कितने रेडियन ये, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न, कितना रेडियन ये टर्न होगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना रेडियन ये टर्न होगा। तो आइए पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले देखते हैं, सिंस द व्हील टर्न्स ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, इन वन मिनट द व्हील मेड 360 रिवोल्यूशन। सो इन 1 सेकेंड, क्योंकि बोल रहा है कि 1 सेकेंड में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना रेडियन का एंगल बनाएगा। तो इन 1 सेकेंड द व्हील मेड, देखिए 1 मिनट में अगर 360 रिवोल्यूशन करता है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा। तो क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर देंगे ये, तो 360/60 हो जाएगा 6 रिवोल्यूशन। 60 रिवोल्यूशन करेगा। अब देखिए ये तो 60 रिवोल्यूशन तो करेगा, ये बात अलग हो गई, सॉरी 6 रिवोल्यूशन तो करेगा, ये बात अलग हो गई। लेकिन अब पूछा है कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। तो 1 रिवोल्यूशन में देखिए एक बार घूमता है तो ये 360 डिग्री यानी कि 2π रेडियन बनाता है। तो ऐसे ही 2 बार घूमेगा तो 2π मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 4π। और ऐसे ही 6 बार घूमेगा तब देखते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस इन 1 रिवोल्यूशन द व्हील मेड 2π रेडियन एंगल। टू पाई रेडियन मेन टर्न्स पूछ रहे, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स द इन 1 रिवोल्यूशन द व्हील टर्न्स 2π रेडियन। सो इन 6 रिवोल्यूशन द व्हील टर्न्स कितना, 6 × 2π रेडियन दैट इज क्या, 6 × 12π रेडियन। यही हमारा आंसर हुआ, दिस विल बी आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बोल रहा है कि एक
पहिया 360 रिवोल्यूशन करता है एक मिनट में। तो पहले तो हम एक मिनट का निकालते हैं, तो एक मिनट में हमारा 360 कर रहा है, तो अब हमको पूछ रहा है कि सेकंड में, वन सेकंड, तो पहले सेकंड में निकाल लेते हैं। अगर 360 रिवोल्यूशन करता है वन मिनट में, तो वन सेकंड में कितना करेगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिवोल्यूशन करेगा, 6 बार घूमेगा, 360 बार एक मिनट में घूमता है, तो 60 से भाग दे देंगे तो 6 बार घूमेगा। ठीक, अब बोल रहा है कि एक रिवोल, ये बोल रहा है कितने रेडियन घूमेगा, तो एक रिवोल्यूशन में वो 2 रेडियन घूमता है, पूरा गोल घूमता है, 360 होता है जिसे 2 रेडियन कहते हैं हम लोग, 2 रेडियन घूमता है एक बार में, तो 6 बार में कितना घूमेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई में, तो 6 टू जो 12 पाई रेडियन। तो ये आप लोग इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा उचित लगे वैसा करें, वीडियो पॉज करके नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तुरंत ही। तो ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबस्टेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, आर्क यानी कि रेडियस है 100 सेंटीमीटर, अच्छा लेंथ यानी कि एल है क्या 22 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, एंगल यानी कि थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। तो फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, एंगल रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क में यही हमारा रिलेशन है। ठीक, तो ये जो निकल के आएगा वो रेडियन में आएगा, लेकिन हमको पूछा है क्या डिग्री मेजर में, तो पहले हम लोग निकालते हैं लेंथ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल कितना है 22 अपॉन 100। अब रेडियन को हमको बदल देना है किस में, डिग्री में, तो डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियन को इतना 22 अपॉन 100 रेडियन इज इक्वल टू क्या, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है यूज करने के लिए, क्या यूज करने के लिए बोल रहा है, पाई अपॉन 7। पहले तो ये देख लेते हैं कि हम लोग को रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 22 अपॉन 100, ये जो रेडियन है उसमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 22 अपॉन 100, और ये देखिए 180 अपॉन 22 बाई 7 करने के लिए बोल रहा है, 22 अपॉन 7 अगर यहाँ पे करते हैं 22 अपॉन 7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर हम लिख देते हैं इंटू 7, 22 से 22 उड़ गया, तो ये 10 से ये, तो ये हो गया 126 अपॉन 10। अच्छा अब अभी भी ये डिग्री है, लेकिन अभी भी पूरा डिग्री तो हम लोग ने पढ़ा था कि फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, जब डिवाइड करेंगे 126, आप देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अरे 12 ये इतना हो जाएगा ना, हैं देखिए 10 वन जै 10 टू सिक्स टू बार में 26 यही होगा, तो ये देखिए ये हमारा हो गया 12 इंटीजर 6 अपॉन 10, लेकिन है ना, अच्छा यहाँ पे लिखना होगा क्यों, क्योंकि सिंस वन पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या है 1 रेडियन,
वन रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक। इसलिए ऐसा किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से। क्यों करेंगे? क्योंकि ये इतना हो गया डिग्री, पहले तो ये इतना डिग्री, इतना डिग्री इज इक्वल टू क्या, 12 डिग्री प्लस 6 अपॉन 10 डिग्री। अब इसमें हम क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो ये 6 टाइम, तो पूरा निकल के हमारे पास 12 डिग्री एंड 36 मिनट आएगा। ये हमारा आंसर हुआ डिग्री में। ये क्वेश्चन नंबर 4 का, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमने हमारा हमारे पास रेडियस दिया हुआ था, कहाँ रेडियस है, रेडियस 100 सेंटीमीटर ये दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था 22 सेंटीमीटर, रिलेशन होता है थीटा रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क में कि एल अपॉन आर। तो ये जब हमारा निकल के आया तो ये रेडियन में निकल के आया, ठीक। ये हमारे किस में निकल के आया, ये हमारा रेडियन में निकल के आया। इस रेडियन को जब हम डिग्री में बदलेंगे तो डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये 22 अपॉन 100, 180 अपॉन 22 अपॉन 7 होता है, यहाँ पे ये 7 ऊपर चला गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये 10, ये 100 है और ये 180 है, तो 100 में से एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, तो ये 18 अपॉन 10 बचा, 18 7 या 126 अपॉन 10 हुआ, डिवाइड किए तो 12 इंटीजर 6 अपॉन 10 आता है। ये इंटीजर में है इसलिए हम क्या करेंगे कि डिग्री को अलग कर देंगे, ये वाले फ्रैक्शन वाले डिग्री को अलग करेंगे। फ्रैक्शन वाले डिग्री में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 60 से जब करेंगे तो 6 टाइम में कैंसिल होगा, 6 जब 36 होगा, ये 36 मिनट हो जाएगा, 6 अपॉन 10 डिग्री 36 मिनट में बदल जाएगा, तो 12 डिग्री एंड 36 मिनट, ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तुरंत। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसका डायमीटर यानी कि व्यास 40 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, और उसका कॉर्ड यानी कि जीवा 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, और उस कॉर्ड का माइनर आर्क निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चाप जिसे कहते हैं, ये मान लीजिए ये बोल रहा है 20, ये कितना बोल रहा है 20 बोल रहा है। अच्छा, अब अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस 20 हो जाएगा क्योंकि आधा होता है रेडियस। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये हो गया 20, ये भी हो गया 20, ये भी हो गया 20, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। तो अब ये देखिए, ये हमारा 20 20 20 हो गया, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री का ये एंगल हमको यानी कि थीटा हमको पता चल गया, और हमको आर्क पता चल गया, एल निकाल देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो वी हैव क्या, डायमीटर D इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो अगर D 40 सेंटीमीटर हो गया देन, तो R कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक। लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है,
लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है, कॉर्ड हो गया 20 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया और ये कोड हो गया, हेंस इधर ट्रायंगल ओ ए बी इज अ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये। अब यहां पे देखिए ओ ए बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई अपॉन 3। तो पाई अपॉन 3 हो गया, तो थीटा भी हमको पता चल गया। तो नाउ थीटा इज इक्वल टू क्या, पाई अपॉन 3, आर इज इक्वल टू क्या 20। फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एल कितना है, एल तो हमको निकालना ही है, एल और आर कितना है 20 है। तो यहाँ पे हमारा चला जाएगा, तो देखिए 20 इधर आ जाएगा, तो 20 इंटू ठीक पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 रख दीजिए, ये 22 अपॉन 7, 7 इधर आ जाएगा, तो ये 3 इंटू 7 हो जाएगा ठीक। तो एल यहाँ पे 20 आ गया। अब ये देखिए 0 4 4 21 एल हो गया। अब चाहे तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 4 4 0, तो 2 बार में 44, 2 1 2 42 हो जाएगा, 2 2 2 4 2 0। अच्छा अब तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 21 ये नीचे आ जाएगा, ये 20 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, एल इज इक्वल टू, यही हमारा आंसर हो जाएगा, दिस विल बी आवर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर 5। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तुरंत। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो एल इक्वल है दोनों का, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक 75 डिग्री का एंगल बना रहा है एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, उनके रेडियस में का रेशियो बताना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो लेंथ तो सेम है, हटाइए पहले हमारे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा थीटा इंटू आर या आर थीटा ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल है, पहला एंगल क्या है,
एंगल थीटा वन दिया हुआ है हमारे पास, इसको थीटा वन मान लेते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, पाई अपॉन 3 रेडियन। अच्छा थीटा टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, थीटा टू दिया हुआ है 75 डिग्री, 75 डिग्री यानी कि 5π/12। अब देखिए 5π/12 कैसे आएगा, 75 इंटू पाई बाई 180, 15 से 5 बार में, 15 से 12 बार में, ठीक। तो चलिए ये आ गया, और इसमें आर वन ही रहने देते हैं, इसका आर टू रहने देते हैं रेडियस, इसका रेडियस आर वन और इसका आर टू, तब एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन फर्स्ट सर्किल एल इज इक्वल टू क्या, थीटा इंटू आर, तो थीटा है 60 यानी कि पाई बाई थ्री आर वन पाई बाई थ्री कर देते हैं, आर वन पाई बाई थ्री, एंड इन सेकेंड सर्किल में क्या है, एल इज इक्वल टू आर टू एंड 5π/12, ये हो गया। अब चूंकि दोनों बता रहा है कि इक्वल है, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये अगर दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होगा, तो आर वन पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 5R2π/12 गिवेन। ये तो ये 3 इधर चला जाएगा, इंप्लाइज दैट आर वन पाई इज इक्वल टू क्या, 5R2π/12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3×4=12। अच्छा ये देखिए, ये आर टू इधर चलाएगा, आर वन अपॉन आर टू, ये पाई इधर चला जाएगा, तो 5R2π/4, और ये पाई इधर चलाया तो मल्टीप्लाइड बाई पाई, ठीक। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, अच्छा ये आर टू तो यहाँ चला आया है, तो आर टू यहीं पर रह जाएगा, तो आर वन रेशियो आर टू इज इक्वल टू 5:4। तो ये इन दोनों के बीच में रेशियो बताना था, तो यही है 5:4 का रेशियो है दोनों के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कीजिए अपने नोटबुक पर, या फिर वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तुरंत, तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये अंतिम क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। देखिए यहाँ पे ये पेंडुलम जो है ना, ये पेंडुलम ऐसे ऐसे करेगा, तो यही आर्क जब बनाएगा तो ये रेडियस हो गया, ये ऐसे ऐसे पेंडुलम करेगा, ऐसे 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 ऐसे, इसी को पेंडुलम कहते हैं ना, घड़ी में भी लगाता है, टन टन करता है, ये पेंडुलम ऐसे करेगा, यही आर्क बनाएगा, तो ये रेडियस हो गया हमारा। तो इट इज़ गिवन दैट आर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अच्छा फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू क्या 75 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू क्या एल अपॉन आर, 10/75, 5×2=10, 5
वन या फाइव, फाइव टू या ट्वेंट फाइव फाइव या 25, 2 अपॉन 15, ये हो गया रेडियन। रेडियन दे दीजिए यहाँ पे क्योंकि रेडियन में आएगा। अच्छा सेकंड, फिर सेकंड क्या है 15 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, तो 15 अपॉन 75, 15 थ्री जा 75, ओह सॉरी 15 थ्री जा 75 तो है ना, 15 फाइव जा 75। हम बताइए हम भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, 15 फाइव जा 75 कभी कभी भूल होती है, तो ये 1 अपॉन 5 रेडियन। अब थर्ड नंबर, ट्वेंटी वन सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू दिया 21 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू दिया 75 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, यानी कि 21 अपॉन 75। अच्छा थ्री से, थ्री सेवन या 21, थ्री से 25, तो 7 अपॉन 25 रेडियन इसको कर दीजिए। ये तो ये आंसर हो गया हमारा, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन था हमारे बुक में। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो जब तक हम अपना वीडियो नहीं लेके आते हैं 3.2 का, हमारे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।